पवन सिंह का एक और गाना आने वाला है और वो गाना हिंदी में होगा और उनके साथ इस गाने में दिखेंगी मधु शर्मा। लेकिन क्या खास हम आपको बताने वाले हैं, कल सुबह खेसारी लाल यादव का भी उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से एक गाना आएगा जिसके बोल हैं मौगी पबजी खेले। तो यानी कि इन दोनों सुपरस्टार के गाने एक ही टाइम में आएंगे। हिंदी में गाना है जो पवन सिंह का है, बोल है कोई बात नहीं वो बेवफा है, और दूसरा खेसारी लाल यादव का। और आपको बता दें कि दोनों की टाइमिंग 7:45 की है, यानी कि 6:45 को ये दोनों गाने अलग अलग यूट्यूब चैनल पर रिलीज होंगे। आपको ये बता दें कि इन दोनों गानों के लिए दोनों स्टार्स ने अपने फैन से अपील की है कि इस गाने को लोग पसंद करें। एक तरफ जहां पवन सिंह ने अपील की है तो दूसरी तरफ वहीं खेसारी लाल यादव ने भी अपील की है। आपको ये बता दें कि पवन सिंह का पिछला जो हिंदी गाना था नंबर ब्लॉक चल रहा है 2, वो जरा भी दर्शकों को पसंद नहीं आया, उतना लोगों ने इसे लाइक नहीं किया। लेकिन ओढ़ला जवनिया दुपट्टा से, जिसे कि प्रिंस नरूला ने भी बहुत पसंद किया, इस गाने को लोगों ने बहुत पसंद भी किया और इसके व्यूज़ भी अच्छे आए हैं। साथ ही साथ हम हिंदी गानों की बात करें तो पवन सिंह की उतनी धाग नहीं जम पा रही है हिंदी गानों में, सिर्फ उनका कमरिया हिला रही है काफ़ी अच्छा गया था। लेकिन अगर ये गाना जो रिलीज़ होगा हिंदी वाला, इसने अच्छे व्यूज़ हासिल किए, जबकि पवन के साथ इसमें मधु शर्मा भी हैं और ये गाना दुबई के हसीन लोकेशन पर शूट किया गया है, तो आप समझ लीजिएगा कि उनकी गाड़ी तो हिंदी गानों में चल जाएगी। लेकिन अगर फ्लॉप होता है गाना तो भाई यहाँ दो मार झेलनी पड़ेगी, एक खेसारी लाल यादव के कंपटीशन के तौर पर कि खेसारी का गाना ज़्यादा चला और पवन का कम, और दूसरा तो शायद पवन हिंदी में गाने आजमाने की कम ही कोशिश करेंगे, वो समझ जाएंगे कि वो भोजपुरी के लिए परफेक्ट है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।